तो अभी बात करेंगे कनेक्शन ऑफ एससीआर के बारे में। आपने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पर आप ये डिस्कस करोगे कि जो एससीआर होगा वो सीरीज में होगा और एससीआर पैरेलल में होगा। एससीआर जब सीरीज में होगा तब क्या होगा, एससीआर जब पैरेलल में होगा तब क्या होगा। तो बेसिकली आप देखो, सीरीज कनेक्शन हम लोग एससीआर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं टू इंक्रीज ब्लॉकिंग वोल्टेज। जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है उसको इंक्रीज करने के लिए जो एससीआर होता है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली एससीआर को हम लोग पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं, टू इंक्रीज कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट इंक्रीज करने के लिए जो एससीआर है आप उसको कैसा कनेक्ट करोगे, एससीआर को आप पैरेलली कनेक्ट करोगे। यहाँ पर सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर जहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर जो एससीआर होगा आप उसको पैरेलली कनेक्ट करोगे, जहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर जो एससीआर होगा उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, नॉट पैरेलली। जहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग एससीआर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और जहाँ पर करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग एससीआर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं एचवीडीसी सिस्टम। एचवीडीसी सिस्टम में ऑब्वियसली जो वोल्टेज होता है वो किलो वोल्ट में होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसका मतलब जो एससीआर होगा आप उसको कैसा अरेंज करोगे, कैसा कनेक्ट करोगे, सीरीज़ में कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ कनेक्शन में होता क्या है, इन सीरीज़ कनेक्शन वोल्टेजेस अक्रॉस एससीआर विल गेट ऐड। सीरीज़ कनेक्शन में जो एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, एंड दैट सीरीज़ कनेक्शन ऑफ एससीआर विल हैंडल हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज। और ये रीज़न के वजह से एससीआर का जो सीरीज़ कनेक्शन होता है वो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को हैंडल कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 6 किलो वोल्ट हमारी वोल्टेज रेटिंग है, 6 किलो वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 एससीआर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये पहला वाला एससीआर, ये दूसरा वाला एससीआर, तीसरा वाला एससीआर, चौथा वाला, पांचवा, और ये 6th वाला एससीआर। तो ये टोटल जो एससीआर है 6 एससीआर, हमने 6 एससीआर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। और मान लेते हैं हर एक जो एससीआर है वो 1 किलो वोल्ट तक के हैंडल कर सकता है, तो ये वाला एससीआर 1 किलो वोल्ट हैंडल कर पाएगा, ये वाला एससीआर 1 किलो वोल्ट, ये वाला एससीआर 1 किलो वोल्ट हैंडल कर लेगा, ये भी 1 किलो वोल्ट, ये भी, और ये वाला भी जो एससीआर होगा 1 किलो वोल्ट हैंडल कर लेगा। तो अगर ये सारे के सारे एससीआर अगर 1 किलो वोल्ट वोल्टेज को हैंडल कर ले रहे, तो ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो 6 किलो वोल्ट वोल्टेज को क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो 6 किलो वोल्ट वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, क्यों नहीं हैंडल कर पाएगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था, जैसे कि आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा जो इंसुलेटर होता है उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते जाते हैं, जैसी वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज़ करते जाएंगी तो आप इंसुलेटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते जाओगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वोल्टेज रेटिंग जैसी इंक्रीज़ करते जाएंगी तो जो एससीआर होगा आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते जाओगे, सीरीज़ में अलाइन करते जाओगे। तो एससीआर को हम लोग सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, एससीआर को हम लोग सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट करते ताकि जो वोल्टेज, हाई वोल्टेज रेटिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल कर सके, या फिर सिंपल वर्ड में जहाँ पर हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एससीआर को हम लोग सीधा सीरीज़ में लगा देते हैं। सिमिलरली एससीआर को हम लोग पैरेलली क्यों लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जब हाई करंट की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग एससीआर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर कैन विथ स्टैंड हाई अमाउंट ऑफ करंट। एससीआर का जो पैरेलल कनेक्शन है वो हाई अमाउंट ऑफ करंट को टॉलरेट कर सकता है। इन पैरेलल कनेक्शन वी विल अरेंज एससीआर पैरेलली। पैरेलल कनेक्शन में जो एससीआर होगा उसको हम लोग पैरेलली अरेंज करेंगे, एंड टोटल करंट इन दी पैरेलल कनेक्शन, और टोटल जो करंट होगा पैरेलल कनेक्शन में वो बराबर में होगा सम ऑफ इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईच एससीआर। तो जो टोटल जो करंट होगा पैरेलल कनेक्शन में वो बराबर में होगा हर एक एससीआर के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट के सम के। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया रहेगा कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जहाँ पर करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो वहाँ पर एससीआर पैरेलली लगा दो, जहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो वहाँ पर जो एससीआर है उसको सीरीज़ में लगा दो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमने सीरीज़ कनेक्शन के लिए ये वाला एग्जांपल कंसीडर किया था। यहाँ पर आप हर एक एससीआर को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पा रहे हो आपको ये एक फैक्टर बताता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो तो जो एससीआर होगा उसको हम लोग सीरीज़ में लगाते जाएंगे, और जैसी वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज़ करते जाएंगे नंबर ऑफ़ एससीआर हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे। यहाँ पर आप देखो जब एससीआर को आप कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन में लगा दो, जब एससीआर को आप कुछ इस तरीके से सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा दो तो हर एक एससीआर को, इंडिविजुअल एससीआर को आप कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो आपको ये एक फैक्टर बताता है, और वो जो फैक्टर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी।
स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द रेटिंग ऑफ ईच डिवाइस इज यूटिलाइज्ड। ईच डिवाइस मतलब ईच एससीआर। व्हाइल मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, कितना एफिशिएंटली आप यूज़ कर पा रहे हो हर एक एससीआर को, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है, और जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, आपको क्या लगेगा कि जो कॉम्बिनेशन है वो 6 kV वोल्टेज को क्या कर लेगा? हैंडल कर लेगा। मगर यहाँ पर आप देखो ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो 6 kV वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, मान लेते जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल, 4 kV वोल्टेज को ही हैंडल कर पा रहे हैं। तो आप अगर 6 SCR लगा रहे हो और हर एक SCR के अक्रॉस 1 kV है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक SCR 1 kV हैंडल कर सकता है, तो जो एंटायर जो कनेक्शन होगा वो 6 kV हैंडल नहीं कर पाएगा एज पर आर एग्जाम्पल। थोड़ा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, थोड़ा जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, थोड़ा जो वोल्टेज होगा डिक्रीज़ कर जाएगा, और ऐसा क्यों होगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, हमने बनाया जो कनेक्शन, हमने जो बनाया इसके हिसाब से जो कनेक्शन होगा 6 kV वोल्टेज को हैंडल कर पाएगा, मगर ये जो कनेक्शन होगा वो 4 kV वोल्टेज को ही हैंडल कर पाएगा। बाकी का जो 2 kV का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा थोड़े टाइम में। तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हर एक SCR को आप कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये आपको एक फैक्टर बताता है जो कि होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, जब SCR सीरीज में कनेक्टेड हो, SCR का जब सीरीज कनेक्शन आपको मिले, तभी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो रिलेशन होगा वो होगा वोल्टेज रेटिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन की वोल्टेज रेटिंग। तो यहाँ पर ये सीरीज कनेक्शन की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 6 kV। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज रेटिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन जो कि होगी 6 kV डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ SCR इनटू मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग। नंबर ऑफ SCR कितना SCR है, 6 SCR है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग, यहाँ पर हर एक SCR के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 1 kV है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ SCR इनटू मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग इनटू 100% के फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR। अगर आपको SCR का सीरीज कनेक्शन मिल जाए, आपको SCR का अगर सीरीज कनेक्शन मिल जाए और स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए अगर फार्मूला पूछे, तो आप ये वाला फार्मूला लिख के होंगे। सिमिलरली SCR के पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR, SCR का आपको अगर पैरेलल कनेक्शन मिलता है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए जो रिलेशन होगा वो ये वाला रिलेशन होगा। करंट रेटिंग ऑफ पर्टिकुलर पैरेलल कनेक्शन, वो जो पैरेलल कनेक्शन है उसकी करंट रेटिंग, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ SCR इनटू मैक्सिमम करंट रेटिंग, और ये पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा मतलब हर एक SCR को आप कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला कभी एप्लीकेबल है, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर ये जो कनेक्शन जो बना है किसके लिए, 6 kV के लिए, मगर ये जो कनेक्शन है वो 4 kV तक के ही हैंडल कर पा रहा है। इसके रीज़न के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्यों 4 kV तक के ही हैंडल कर पा रहा है, 6 kV तक क्यों नहीं हैंडल कर रहा। तो ये जो कनेक्शन है इसको हमने बनाया था 6 kV के लिए, मगर 4 kV तक के हैंडल कर रहा है, बांध लेते बाकी का जो 2 kV है वो कहीं गायब हो गया। बाकी का जो 2 kV है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर बोल सकते हैं बाकी का जो 2 kV जो लॉस्ट हो गया उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको एक फैक्टर देगा, जिसको आप बेसिकली बोलोगे डीरेटिंग फैक्टर। तो डीरेटिंग फैक्टर आपको ये बताएगा बाय व्हाट अमाउंट रेटिंग रिड्यूसेस ड्यू टू कनेक्शन इज कॉल्ड एज डीरेटिंग फैक्टर, किस अमाउंट से रेटिंग रिड्यूस हो गई। यहाँ पर मैंने थोड़े टाइम पहला लॉस्ट बोला, एक्चुअली मुझे लॉस्ट नहीं बोलना चाहिए, रिड्यूस बोलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो कितने किलो वोल्ट के लिए बनाया गया है, 6 kV के लिए बनाया गया है, मगर ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ 4 kV को ही हैंडल कर पा रहा है, बाकी का जो 2 kV है वो रिड्यूस हो गया। तो जो 2 kV जो रिड्यूस हुआ उसके बारे में आपको कौन बताएगा, उसके बारे में आपको बताएगा डीरेटिंग फैक्टर। ये डीरेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है आप अप्लाई कर दोगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो बाकी के 2 kV की। बाय वॉट अमाउंट रेटिंग रिड्यूसेस ड्यू टू कनेक्शन, कनेक्शन के वजह से रेटिंग किस हद तक की गिर गई, ये हमें कौन बताएगा, डीरेटिंग फैक्टर बताएगा। तो डीरेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और डिनोमिनेटर में 100%। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहला सीरीज कनेक्शन के बारे में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि हमने जो कनेक्शन जो बनाया था वो था 6 kV के लिए, मगर ये 4 kV ही क्यों हैंडल कर पा रहा था, बाकी के जो वोल्टेज था, बाकी का जो 2 kV था वो क्यों रिड्यूस हो जा रहा था।
स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सीरीज कनेक्शन से। तो सीरीज कनेक्शन में जो एससीआर होगा आप उसको कैसा कनेक्ट करोगे, ऑब्वियसली सीरीज कनेक्शन में जो एससीआर होगा आप उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। यहाँ पर ये पहला वाला एससीआर है और यहाँ पर ये दूसरा वाला एससीआर। सीरीज कनेक्शन में दोनों जो एससीआर है वो कैसा कनेक्ट होगे, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होगे। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो एससीआर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी1, और यहाँ पर ये दूसरा वाला जो एससीआर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है वी2। तो यहाँ पर आप हर एक पॉइंट को नोट करते जाना। इन सीरीज कनेक्शन एससीआर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, ऑब्वियसली सीरीज कनेक्शन में जो एससीआर होगे वो सीरीज में कनेक्टेड होगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एससीआर कनेक्टेड इन सीरीज विल नॉट बी आइडेंटिकल। आप अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखो दो एससीआर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो वो एससीआर की आप कैरेक्टरिस्टिक देखो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आइडेंटिकल नहीं होगी। ड्यू टू विच व्हेन दे कैरी सेम अमाउंट ऑफ करंट, जिसके वजह से जब ये दोनों एससीआर सेम अमाउंट ऑफ करंट कैरी करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो जो वोल्टेज होगा दोनों एससीआर के अक्रॉस वो सेम नहीं रहेगा, देन वोल्टेज अक्रॉस देम रिमेन अनइक्वल। तो यहाँ पर ये टर्म आपको ये बोल रहा है, आई मीन ये पॉइंट आपको ये बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एससीआर कनेक्टेड इन सीरीज विल नॉट बी आइडेंटिकल ड्यू टू विच व्हेन दे कैरी सेम अमाउंट ऑफ करंट इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देन वोल्टेज अक्रॉस देम रिमेन अनइक्वल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप अगर दो एससीआर को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर दो एससीआर जो कि सीरीज में कनेक्टेड हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में ये पाया गया है कि जब ये दोनों एससीआर सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट कंडक्ट करते हैं उसके बाद भी दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होता है वो सेम नहीं होता एज पर दी कैरेक्टरिस्टिक। इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V1 है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V2, और जो V1 वोल्टेज और जो V2 जो वोल्टेज होगा वो दोनों बराबर में नहीं होगा। वोल्टेज सेम नहीं होने की वजह से होता क्या है कि जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। और यही रीज़न की वजह से यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने बनाया था ये पूरा जो कनेक्शन था वो 6 kV के लिए बनाया था, मगर ये जो कनेक्शन है वो कितना वोल्टेज को हैंडल कर पा रहा है, 4 kV वोल्टेज को हैंडल कर पा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 4 kV वोल्टेज को ही हैंडल कर पा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली हर एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होने के वजह से ये जो कनेक्शन है वो 4 kV वोल्टेज को ही हैंडल कर पा रहा है। अगर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल होता, मतलब इसके अक्रॉस भी 1 kV होता, इसके अक्रॉस भी 1 kV, इसके अक्रॉस भी 1 kV, 1 kV, 1 kV, 1 kV, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक एससीआर के अक्रॉस अगर इक्वल होता तो ऐसे केस में पूरा जो कनेक्शन होता वो आपको 6 kV वोल्टेज रेटिंग को टॉलरेट करने की टेंडेंसी रखता। मतलब ये जो कनेक्शन है वो 6 kV वोल्टेज को क्या कर लेता, हैंडल कर लेता। मगर हर एक एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज रेटिंग है, आई मीन जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, जिसके वजह से जो कनेक्शन है वो 4 kV को ही हैंडल कर पा रहा है इन कंपैरिजन विद 6 kV। अगर हम लोग 6 kV से कंपेयर करें तो यहाँ पर मैं जो 4 kV और जो 6 kV का जो एग्जांपल जो दे रहा हूँ ये बहुत बड़ा ही रफ एग्जांपल है, रैंडम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पर आप यहाँ एक देखो एक चीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया V1 वोल्टेज और जो V2 जो वोल्टेज होगा दोनों अनइक्वल होगा, मतलब ये एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से अगर आप यहाँ पर अगर देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो एफिशिएंसी होगी वो रिड्यूस कर जाएंगी। तो जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करने के वजह से, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली टंग स्लिप हो जा रही है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब ये एफिशिएंसी का मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला 6 kV का कनेक्शन है मगर ये जो कनेक्शन है वो 4 kV ही हैंडल कर पा रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 4 kV हैंडल करने की है। मतलब हमने कनेक्शन कितने किलो वोल्ट को हैंडल करने के लिए बनाया और ये कनेक्शन कितने किलो वोल्ट को हैंडल कर रहा है, तो जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो कनेक्शन है 6 kV का, ये 5 kV तक के हैंडल कर रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज कर गई। ये 6 kV का जो कनेक्शन है मान लेते हैं 5.5 kV तक के वोल्टेज को हैंडल कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज कर गई। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कोई भी डिवाइस, कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन, उसको हम लोग इनपुट दे और इनपुट के रेस्पेक्ट में हमें सिस्टम कितना आउटपुट दे रहा है, वो जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर आप जितना इनपुट नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी तो मस्त है। मगर आप इनपुट दे रहे हो बहुत सारा, मतलब एकदम हाई अमाउंट में आप इनपुट दे रहे हो, मगर जो सिस्टम है वो आपको ना के बराबर में आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी वो पुअर है, सिस्टम की एफिशिएंसी पथेटिक है, सिस्टम आपका बकवास है, तो ऐसा सिस्टम आप यूज़ नहीं करोगे, राइट? फॉर एग्जांपल आप बाइक खरीदने जाते हो,
या फिर कंसीडर कर लो आप कार चला रहे हो, कार का माइलेज बहुत कम है, आपने 1 लीटर पेट्रोल भराया और आपकी जो कार है वो बहुत कम चली। फॉर एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते, आपने 1 लीटर पेट्रोल भराया और आपकी जो कार है वो 2 मीटर चली। रफ एग्जाम्पल, 1 लीटर पेट्रोल पर 2 मीटर चली, रफ एग्जाम्पल था। तो इसका मतलब आपकी कार की एफिशिएंसी, कार के इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम है। आपका जो इंजन है वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, आपको ज़्यादा इनपुट देना पड़ रहा है मगर आउटपुट कम दे रहा है। तो एफिशिएंसी, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं। हम लोग इनपुट कितना दे रहे हैं, आउटपुट कितना मिल रहा है, ये जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुझे सिर्फ ये एफिशिएंसी का मतलब ही नहीं पता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मगर सिर्फ ये एफिशिएंसी का मतलब मैं भूल गया था। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद रखने के बाद भी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेमोराइज करने के बाद भी कोई एक छोटा सी कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप भूल जाते हो। तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो क्या रहा है, अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जा रही है, जो एफिशिएंसी वो रिड्यूस कर जा रही है। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आपको यूनिफॉर्म करना होगा। मतलब हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहना चाहिए। तो वोल्टेज को आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फॉर दिस प्रॉब्लम वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट वोल्टेज यूनिफॉर्मली। ये प्रॉब्लम की वजह से जो वोल्टेज है उसे हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वोल्टेज को आप यूनिफॉर्मली कैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट वोल्टेज यूनिफॉर्मली अक्रॉस ईच SCR बाई यूजिंग स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर ये जो वोल्टेजेस है V1 और V2 वोल्टेजेस, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो SCR है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, यहाँ पर ये SCR सीरीज़ में कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंसेज जो लगे हुए, ये बेसिकली स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट है। तो स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो SCR आपको जो दिखाई दे रहा है, ये SCR के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे वो सेम होंगे, SCR के अक्रॉस वोल्टेजेस सेम होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके वजह से जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएंगी। यहाँ पर आप देखो, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के, ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, R = nVBm और ये माइनस में VS, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, n-1 ∆IB। यहाँ पर ये हर एक टर्म का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको जो n जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो n जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सीरीज SCR। सिमिलरली यहाँ पर ये VBm आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो VS आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो VS आपको जो दिखाई दे रहा है, VS आपको इंडिकेट कर रहा है, VS आपको इंडिकेट कर रहा है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। और यहाँ पर ये जो ∆IB आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो ∆IB जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन मैक्सिमम ब्लॉकिंग करंट, चेंज इन ब्लॉकिंग करंट। ये जो ∆IB है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन ब्लॉकिंग करंट, जो कि बराबर में होगा डिफरेंस इन मैक्सिमम ब्लॉकिंग करंट एंड मिनिमम ब्लॉकिंग करंट। तो यहाँ पर ये IB मैक्स और यहाँ पर ये IB मीन, ये IB मैक्स और ये IB मीन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम ब्लॉकिंग करंट और मिनिमम ब्लॉकिंग करंट। तो ये वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम ब्लॉकिंग करंट, और ये वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है मिनिमम ब्लॉकिंग करंट। तो जो ∆IB है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ∆IB आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन ब्लॉकिंग करंट। यहाँ पर ये ∆IB आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन ब्लॉकिंग करंट, जो कि बराबर में IB मैक्स माइनस IB मीन के। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सीरीज़ कनेक्शन के बारे में, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो वोल्टेजेस होता है हर एक SCR के अक्रॉस वो सेम क्यों नहीं होता। यहाँ पर अभी आप दूसरी प्रॉब्लम अगर देखो, दूसरी प्रॉब्लम जो कि एसोसिएटेड होती है सीरीज़ कनेक्शन के साथ, अनदर प्रॉब्लम विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस सीरीज़ कनेक्शन। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरी प्रॉब्लम ये सीरीज़ कनेक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होती है कि डिफरेंट SCR हैज़ डिफरेंट डिफरेंट चार्ज स्टोर्ड। अलग अलग SCR में जो चार्ज जो स्टोर्ड होता है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट SCR हैज़ डिफरेंट चार्ज स्टोर्ड, जिसके वजह से होता क्या, जो रिकवरी टाइम होता है अलग अलग SCR का वो अलग अलग होता है, ड्यू टू विच रिकवरी टाइम ऑफ डिफरेंट SCR विल बी डिफरेंट। तो
यहाँ पर ये रिकवरी टाइम अलग अलग होने की वजह से होता क्या है, मान लेते हैं कोई एक एससीआर है वो पहला रिकवर कर जाता है। हमने डिस्कस किया रिकवर का मतलब क्या है, तो जो एससीआर है वो पहला रिकवर कर जाता है। तो जब कोई भी एक एससीआर पहला रिकवर कर जाए तो सारा का सारा जो रिवर्स वोल्टेज होगा वो एससीआर के अक्रॉस आ जाएगा, जिसके वजह से वो जो एससीआर है वो ओवरलोडेड हो जाएगा, और ये रीज़न के वजह से वो जो पर्टिकुलर जो एससीआर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो एससीआर विच रिकवर फर्स्ट, या फिर बोल सकते फास्ट, दैट पर्टिकुलर एससीआर विल हैव टू ब्लॉक एंटायर रिवर्स वोल्टेज। वो जो पर्टिकुलर जो एससीआर होगा उसे सारा का सारा रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक करना होगा, ड्यू टू विच द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज ओवर दैट पर्टिकुलर एससीआर विल बी मोर, जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर जो एससीआर होगा उसके ऊपर जो रिवर्स वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और वो जो एससीआर है वो डैमेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये वाला एससीआर, ये तीन एससीआर, ये पहला वाला जो एससीआर है पहला रिकवर हो जाता है। तो ये पहला रिकवर हो गया तो होगा क्या, ये वाला एससीआर और ये वाला एससीआर, ये दोनों एससीआर का जो रिवर्स वोल्टेज होगा वो यही एससीआर को हैंडल करना होगा। तो जिसके वजह से एससीआर के ऊपर लोड बढ़ गया तो जो एससीआर है वो डैमेज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम वी हैव टू यूज़ डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट अलॉन्ग विद सीरीज कनेक्शन। ये प्रॉब्लम के वजह से हम लोग डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट का यूज़ करते हैं सीरीज कनेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको एससीआर दिख गया, यहाँ पर ये पहला एससीआर और यहाँ पर ये दूसरा एससीआर, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस, और ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको कौन सी सर्किट मिल गई, ये वाली जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है, जो सर्किट है वो स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट है। सिमिलरली यहाँ पर आप ये डॉटेड बॉक्स कंसिडर कर लो, ये वाला जो डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो सर्किटरी है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये कैपेसिटेंस और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये हमने कैपेसिटेंस कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये डायोड भी कुछ इस तरीके से लगे होते हैं ये सर्किट में। तो यहाँ पर ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, जो सर्किट है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। और ये डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो अवॉइड हो जाती है, मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत हद तक के कम हो जाती है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर के बारे में। हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में तो डिस्कस किया, अभी पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पैरेलल कनेक्शन में हम लोग एससीआर को क्यों लगाते, क्योंकि जो एससीआर है वो हाई करंट को हैंडल कर लेगा। पैरेलल कनेक्शन में अगर हाई करंट का कहीं एप्लीकेशन हो तो वहाँ पर जो एससीआर होगा कैसा कनेक्ट होगा, वहाँ पर जो एससीआर होगा पैरेलली कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखो पैरेलल कनेक्शन में होगा क्या, पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर, पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर एक एससीआर और यहाँ पर एक एससीआर, दोनों जो एससीआर होंगे वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे। व्हेन टू एससीआर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो एससीआर पैरेलली कनेक्टेड हो, देन करंट फ्लोइंग फ्रॉम दैट एससीआर विल रिमेन अनइक्वल इवन एट सेम वोल्टेज। यहाँ पर अगर आप पैरेलल कनेक्शन में देखो, पैरेलल कनेक्शन में जो करंट जो फ्लो करेगा हर एक एससीआर के थ्रू, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अनइक्वल था, मगर पैरेलल कनेक्शन में जो करंट होगा वो अनइक्वल रहेगा हर एससीआर के थ्रू, जबकि हर एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, व्हेन टू एससीआर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो एससीआर पैरेलली कनेक्टेड हो, देन करंट फ्लोइंग फ्रॉम दैट एससीआर विल रिमेन अनइक्वल। तो एससीआर के थ्रू जो करंट जो फ्लो करेगा वो अनइक्वल रहेगा इवन एट सेम वोल्टेजेस। तो यहाँ पर आप देखो, पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो अनइक्वल है, मगर जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है इक्वल। तो आप देख सकते हो कि पैरेलल कनेक्शन के लिए जो करंट होता है वो अनइक्वल होता है, एससीआर के पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो अनइक्वल रहता है, और जो वोल्टेज होता है वो इक्वल रहता है हर एक एससीआर के अक्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। यहाँ पर ये वाला एससीआर आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला एससीआर, दोनों के थ्रू जो करंट जो फ्लो करेगा वो अलग अलग होगा, मगर दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर अब आप देखो, जो करंट होता है वो अनइक्वल होता है और जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो ये रीज़न के वजह से होता है क्या, एक जो एससीआर है वो ओवरलोडेड हो सकता है। ड्यू टू दिस रीज़न वन एससीआर मे गेट ओवरलोडेड। सिमिलरली आप दूसरी प्रॉब्लम अगर देखो पैरेलल कनेक्शन में, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, अनदर प्रॉब्लम इन पैरेलल कनेक्शन इज ईच एससीआर हैज़ डिफरेंट टर्न ऑन टाइम। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है पैरेलल कनेक्शन में वो ये होती है कि हर एक एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये वाला जो एससीआर है वो पहला टर्न ऑन हुआ, फिर उसके बाद ये वाला एससीआर टर्न ऑन हुआ,
फिर उसके बाद ये वाला SCR टर्न ऑन हुआ। तो ये अलग अलग टर्न ऑन टाइम होने की वजह से होता क्या है, मान लेते ये वाला SCR पहला टर्न ऑन हुआ, फिर ये वाला SCR टर्न ऑन हुआ और ये वाला SCR टर्न ऑन हुआ। ये आपको जो डॉटेड बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बॉक्स को आप जरा नोट करना। तो ये तीनों जो SCR है वो क्या हो गए, टर्न ऑन हो गए, जिसके वजह से होगा क्या, जैसे ही SCR टर्न ऑन होते जाएंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शन के अक्रॉस वो रिड्यूस करते जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये वाला SCR पहला टर्न ऑन हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा रिड्यूस कर गया, ये वाला SCR फिर बाद में टर्न हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्न ऑन हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस और थोड़ा रिड्यूस कर गया, ये वाला SCR बाद में टर्न ऑन हुआ, ये दोनों टर्न ऑन होने के बाद ये तीसरा वाला SCR टर्न ऑन हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो और डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे SCR टर्न ऑन होते जा रहे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होते जा रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गेट रिड्यूस। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिक्रीज करते जाएगा। इफ पोटेंशियल ड्रॉप गोज बिलो फिंगर वोल्टेज, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर फिंगर वोल्टेज के कंपैरिजन में कम हो जाता है तो बाकी के जो SCR हो गए वो टर्न ऑन रहने से हो जाए टर्न ऑन नहीं हो पाएंगे। इफ पोटेंशियल ड्रॉप गोज बिलो फिंगर वोल्टेज, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर फिंगर वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होता है देन अदर SCR विल फेल टू टर्न ऑन, बाकी के जो SCR हो गए वो टर्न ऑन होने से रह जाएंगे। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है अगर वो फिंगर वोल्टेज के कंपैरिजन में कम हो जाता है तो ऐसे केस में बाकी के जो SCR हो गए वो टर्न ऑन नहीं हो पाएंगे। हमने डिस्कस किया फिंगर वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग गेट करंट प्रोवाइड करते हैं तो एनोड और कैथोड टर्मिनल के बीच में हमें जो वोल्टेज जो प्रोवाइड करना होता है वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू जिसके वजह से SCR टर्न ऑन हो जाए, तो जो वोल्टेज की जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फिंगर वोल्टेज। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो SCR है इनका टर्न ऑन टाइम होने की वजह से होता क्या है, टर्न ऑन टाइम अलग अलग होने की वजह से होता क्या है, जो पैरेलल कनेक्शन है उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डिक्रीज करते जाता है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर फिंगर वोल्टेज के कंपैरिजन में कम हो जाता है तो बाकी के जो SCR हो गए वो टर्न ऑन नहीं हो पाएंगे। तो क्या होना क्या चाहिए, सारे के सारे जो SCR है एट द सेम टाइम टर्न ऑन होना चाहिए। तो एट द सेम टाइम सारे के सारे SCR कैसा टर्न ऑन हो गए, तो एट द सेम टाइम आपको गेट करंट प्रोवाइड करना होगा तब जाके SCR जो हो गए सारे के सारे SCR वो टर्न ऑन हो जाएंगे। और ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि जो गेट करंट होता है उसमें थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, जिसके वजह से कोई SCR पहला ऑन हो जाता है तो कोई SCR बाद में ऑन हो जाता है। इससे अच्छा हम लोग लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप LiSCR यूज़ करो, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, तो एक ही बार जो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी सारे के सारे SCR पर आके गिरेंगी और सारे के सारे जो SCR होंगे वो एक ही बार टर्न ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, अनदर प्रॉब्लम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR इज ऑल SCR ऑपरेट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। सारे के सारे जो SCR होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं, जिसके वजह से जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे SCR में वो अलग अलग होता है। देन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक SCR के थ्रू वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो SCR होता है सारे के सारे जो SCR होते हैं उसको हम लोग सेम हीट सिंक पर ही माउंटेड करते हैं। सारे के सारे जो SCR होते हैं उसको हम लोग सेम हीट सिंक पर लगा देते हैं, जिसके वजह से ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइज हो जाती है।